चूतिए हैं, हम बहुत बड़े चूतिए हैं, हमने फिर से डायमॉक्स लेना भूल गए। 17,586 फुट। रोड ट्रिप पे अच्छी खासी नींद पूरी होने के बाद अगर ऐसा व्यू देखने को मिल जाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। हम रेडी है, नींद नहीं है। हाइजीन जरूरी है, बट ज्यादा नहाने के लिए है नहीं। 2-3 दिन में आप एक बार नहा सकते हो, और हम वैसे भी कैंपिंग ट्रिप कर रहे हैं, उसमें नहाने की इतनी नीड है नहीं। तो ऑल सेट, अभी हम लोग निकल रहे हैं चिसुल के लिए, और अगर आपको लेह से बाहर जाना है तो आपको यहाँ पे परमिट बनवाना पड़ेगा, जो पर पर्सन कोर्स करेगा 420 रुपीज़, और लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन चिसुल के लिए। ऐसे यूजली रास्ता सीधा है, कहीं पे भी ऐसा लगे ना कि तुम्हें कन्फ्यूजन है तो वेट फॉर इट, अगर मैं पीछे हूँ ठीक है। Where the river takes far away from home, time to ponder in the fields around me. Well, there's nothing but the breeze and the gray unknown. So we just take a small break at Sthapana Monastery. और मेरे पीछे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा कंपोजिशन आता है स्थापना मंदिर का, तो यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। क्या बोल रही है? ब्रेड तू 2 पैकेट ले ले यार, चाय के साथ भी खा लेंगे। तो जब तक चांगला पास की रोड स्टार्ट नहीं हुई तब तक सब स्मूथ चल रहा था, मस्त इस हाईवे को एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम। बट जैसे ही चांगला पास के लिए चढ़ना स्टार्ट किया तो रोड और हमारी दोनों की हालत खराब होना स्टार्ट हो गया। चलाते चलाते लौड़े लग गए वीरेन, लौड़े लग गए हैं। मैं ऐसा बोला सुबह 7 बजे निकलो, आराम आराम से जाएंगे। इन्होंने ये नहीं निकला, ये लोग मस्ती करते रहे हैं ठीक है। और अभी रास्ता इतना खराब है, इतना डिले हो रहा है, और अभी हमारा फ्यूल भी कम है, तो बैठने का क्या मतलब है? कंफर्टेबली चलाओ ना। कंफर्टेबली की बात नहीं है, हाथ जम रहे, इसके लिए राइडर चेंज करके चला रहे हैं। मेरे को अपने ग्लव्स दे। रहना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चूतिए हैं हम, बहुत बड़े चूतिए हैं, हमने फिर से डायमॉक्स लेना भूल गए हम लोग। पता नहीं इस ट्रिप पे क्या हो रहा है, बैंकर फर्स्ट एड किट में कभी नहीं भूलता, वो भूल गया। ऐसा नहीं बता रहा, बर्फ के बीच जा रहे हैं, ऐसे गोल 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 टूटा रास्ता है। चांगला पास पे कभी भी रोड नहीं बना, चांगला पास का रोड आज तक बना ही नहीं। अच्छा तो ये नीचे बताना था ना। तो अभी छोटा सा ब्रेक लिया है, एक्चुअली सीन ये है की लोग लेट निकले थे और यहाँ पे पूरा स्नो वाला एरिया है, तो स्नो मेल्ट होके पूरा रास्ता गीला हो चुका है, और फिसलन में बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है, तो 2 लोगों का उस पर जा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 बंदे को हम लोग गाड़ी में बैठा रहे हैं। आगे का रास्ता भी ऐसा ही है, तो देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे करके पहुँचते हैं। तो भैया यहाँ से चांगला अभी 5-6 किलोमीटर अभी और होगा, चांगला पास के बाद डिसेंड करेंगे, उसके बाद रास्ता सॉर्टेड। तो फिलहाल अभी हमारे जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है तांगसे। तांगसे में हम लोग रिफ्यूल करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चिसुल के लिए बस कर रहे हैं। तांगसे यहाँ से अराउंड होगा 35 किलोमीटर। ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 5,000 मीटर्स।
5000 पाँच किलोमीटर ऊपर है तो जमीन के। तो अभी हम लोग चांगलाबाद पहुंच चुके हैं और हम हैं सी लेवल से 5300 मीटर ऊपर, और यहाँ पे आपको आके फील हो जाएगा कि ब्रीदिंग में आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही फील होगा, तो ये फील है। तो यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सबको हल्का हल्का AMS सीट हो रखा है, तो यहाँ पे रुकेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और जल्दी से निकलेंगे नीचे के लिए। ये देखो यहाँ से डाउन हिल है तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, रास्ता भी काफ़ी सही है यहाँ पे, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। चांगला पास क्रॉस करते करते हमारा पूरा दिन ख़त्म हो चुका था। आगे का रास्ता और भी ख़राब था बट एल्टीट्यूड कम हो गया था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इस वाली रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और पहाड़ों के बीच बनी इस खूबसूरत रोड को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए हमारी आज की मंजिल पे। इतने दिन बाद आज सुकून से पहली बार सनसेट एंजॉय किया। इस गांव का नाम बोलते हैं छिपरा जी। जी बाकी सर जी आप थोड़ा कैमरा उधर घुमाएगा तो उधर है जो वहां पे एक झील है जी, तो वहां पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आइस हॉकी खेला था। तो अभी हम लोग जिस जगह पे कैंप कर रहे हैं वो जगह इतनी खूबसूरत है पर अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि रात हो चुकी है, हमें कैंप और बाकी चीज़ें सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया, पर कल सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे और इस जगह को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे। पूरी ट्रिप पे सिर्फ आज ही का दिन था जब मैं सुबह जल्दी उठा और शायद ही पूरी लाइफ में मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत सुबह देखी होगी। बस कुछ चीज़ें फील हो जाती हैं, बयां नहीं हो पाती, ये सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। दिस इज काइंड ऑफ द स्लो मॉर्निंग, हम बस कुछ करना नहीं चाहते, हम बस बैठ के उस जगह को देखना चाहते हैं। दिस इज सो पीसफुल, सो फकिंग पीसफुल। थैंक गॉड। चाय रेडी हो चुकी है और सूरज महाराज ने भी अपने दर्शन दे दिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है इस ठंड में, ऊपर से गरम गरम चाय। नींद नहीं आई रात भर? नहीं। तू कराटे कौन ले रहा था? ओ भाई नील ले रहा था। नील खुद कह रहा मुझे नींद नहीं। अरे चुपिया बना रहा। हमारे दूसरे चीते को पूछते हैं उनके क्या हालचाल है। गांठ फट गई। क्या हुआ? गांठ फट गई भाई, बहुत ठंड है। सुबह पानी से मुंह के हाथ धोया तो बर्फ था। क्या सीन है? सीन ऐसा है कि एक्सपीरियंस में काफी मजा आ रहा है लेकिन हमारी जो रात है ना उतनी अच्छी नहीं बीत रही है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है यहां पे ना, हाई एल्टीट्यूड है प्लस सब जीरो टेंपरेचर है यहां पे, तो जिसके कारण से ना पूरी रात करवटें बदलने में निकल जा रही है और नींद नहीं आ रहा है, सर भारी हो रहा है, तो ये दिक्कत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। और कल हमें इसी गांव के सदस्य मिले थे, उन्होंने हमें चाय पे भी इनवाइट किया था, तो अगर वो मिले तो हाँ
उनके घर को भी देख के आएंगे और चाय भी जरूर पी के आएंगे। तो अभी गांव घूम के आएंगे। किसी महान इंसान ने ये भी कहा है कि अगर किसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो वहाँ के लोकल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बस निकल पड़े हम गांव की ओर। हाँ हाँ, वहाँ पे रुके हुए हम लोग। इधर नहीं, उधर से नदी दिखती है, पीछे पहाड़ है आपके गांव के पीछे। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। इधर से गुरु वाला है। हाँ, वो बुद्धा का स्टैचू भी हम लोग अभी जाके देख के आएंगे। एलियन लग रहे हैं। आपके पापा नहीं आए अभी तक? ये बहुत शर्माता है। यार क्या प्यारे लोग हैं यार। ले आ गया जगह। गांव का नाम क्या है इसका? छिपरा। छिपरा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? इधर लोग है 50-60। 50-60 लोग, मतलब 8-10 करोड़। तो ज्यादा ऐसे ना भी लगभग सब। नमस्ते जुले। जुले सर, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए जी। आपका गांव घूमने आए, बहुत प्यारी जगह। अच्छा। पेंगोंग वेंगोंग कुछ नहीं आपके गांव के आगे? अभी कुछ दिन में आ जाओ, अभी 15 दिन या 20 दिन में आ जाओ, तब क्या हो? अभी थोड़ी होते, मतलब किस सीजन में होते? तो सब शीत अच्छा होते। जनवरी में? दिसंबर, दिसंबर। बाकी चीज़ों का पता नहीं, पर ऐसी हॉस्पिटैलिटी से पता लगता है कि अतिथि देवो भव आज भी भारत में जिंदा है। यहाँ घर भले ही छोटे हों पर लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। जितने प्यारे ये लैंडस्केप हैं उससे कहीं ज्यादा प्यारे हैं यहाँ के लोग और उनका वेलकमिंग नेचर। जूले सबका वीडियो। अच्छी खासी कन्वर्सेशन और इन नए नए बने दोस्तों को बाय बोलने के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में लद्दाख के रूट्स को और करीब से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें किसी लोकल के घर पे रुकने का चांस मिल गया था। इसमें मैं डांस कर रही हूं, बस मैं छोटा मोटा लद्दाख का एक गाना वाने ऐसे ऐसे कर रही हूं। मैं क्यों पहनूंगा? तू पहनेगा? साड़ी पहनेंगे, चैटर बॉक्स पहनेंगे, चैटर बॉक्स। पहले यश भैया को साड़ी, वो नानी भैया का तो ठीक होगा। दालचीनी का